आशीर्वाद देते हुए और ये निश्चित है हमारे भोले बाबा के दरबार में जो भी आया उसके करो का पूरी हुई, इसमें कोई बंधन नहीं। प्रत्याशी मंत्री उत्तर प्रदेश समाज जनता से आग्रह है, जिनकी काफी देर से प्रतीक्षा कर रहे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय जयवीर सिंह जी आपके समक्ष पधार चुके हैं। विधान पर बैठे मंत्री प्रांगण में सभी कार्यकर्ता मंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें और प्रधान जी से मेरा विशेष आग्रह है कई महीने में शेष है, आपका स्वागत सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान और दूर दराज से हमारे सभी कार्यकर्ताओं के चरणों में शीश झुकाकर नमन प्रणाम वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आपको क्या लगता है कि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लड़ा इस बार यहाँ पूरा वातावरण बढ़ गया है, हर वर्ग धर्म और जात के लोगों ने एकजुटता के साथ निर्णय लिया है कि गुंडई के खिलाफ अराजकता के खिलाफ मैनपुरी ने निर्णय लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। काफी लंबे समय के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि सख्त कैंडिडेट किसी भी पार्टी ने नहीं उतारा, जबकि किंग मेकर की भूमिका में वो ही है। देखिए दूसरे नंबर हर मैनपुरी विधानसभा में भी किला ढहाने की बात हुई थी, किला ढहाया गया था और इसमें भी सपा का किला ध्वस्त करने का काम यही बैठे हुए सारे खड़े हुए लोग करने का काम करेंगे। आपने मुलायम सिंह की राजनीति गुरु नक्सू सिंह के नाती को भी बीजेपी में निश्चित रूप से आदरणीय नक्सू सिंह जी का ही श्रेय था कि वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव को राजनीति में ला करके अपनी सीट पर जसवंत नगर से पहली बार एमएलए बनाने का काम किए थे, उस परिवार के साथ कहीं न कहीं न्याय नहीं हुआ और इसी के कारण हमारी नीतियों रीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आज हमारे साथ खड़े हैं। कितने लोगों को अब तक समाजवादी पार्टी के आप सदस्यता मतलब शामिल कर चुके हैं बीजेपी? आप कहाँ दिखा पा रहे हो, थोक में सुबह से शाम तक थोक में वो जाना जिस मीटिंग में जाते हैं एक दर्जन डेढ़ दर्जन दो दर्जन थोक में। इस समय अभी गेट खुला है, गेट क्या इसी अभी गेट खुला है, 25 तारीख को आदरणीय योगी जी जसवंत नगर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी 25 को जसवंत नगर की धरती पे जो हमारा शेर जाएगा उस दिन क्लीन स्वीप सभा का हो जाएगा। आखिरी सवाल, मोदी जी ने कभी भी यहाँ पे सभा नहीं की है, जब भी बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट लड़ा हो उस दिन केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि इसीलिए समाजवादी पार्टी की सीट आसानी से निकल जाती थी क्यों सम्मान करते थे वो, क्या इस बार मोदी जी की जनसभा यहाँ पे लगेगी? जिस नेता की आप कहोगे उसी की लगेगी, प्रधानमंत्री जी की भी लगेगी और आदरणीय योगी जी की जितनी सभाएं कहोगे उतनी लगेंगे, लेकिन इस बार कमल खिलना है तो खिलना है।